मॉर्निंग। हमारे प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया था कंपाउंड इंटरेस्ट हम कर रहे थे और जिसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज 5.1 के 12 तक के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे, राइट। आज इस वीडियो सेशन में पार्ट 3 में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से आगे, मीन्स क्वेश्चन नंबर 13, 14। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में डिस्कस करेंगे आज पार्ट 3 में। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है हमारा द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स एट 5% इज ₹328, फाइंड द सम। सो क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है एक स्पेसिफिक सम पर 2 साल के लिए 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो 328 है। तो इट मीन्स कि 328 हमारी किसकी वैल्यू है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है, ठीक है। टाइम है 2 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 5% का। हमें सम निकालना है, तो देखिए हम इस क्वेश्चन में किस तरीके से सम की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लो, टाइम 2 ईयर्स लिख लिया, रेट 5% है 5% लिख लिया, एंड देन कंपाउंड इंटरेस्ट 328 गिवन है 328 लिख लेंगे। सो नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इन दिस वे अगर हम रूल अप्लाई करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल का, तो इसमें हमें प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं पता, साथ ही साथ हमें अमाउंट भी नहीं पता। तो हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, अमाउंट के प्लेस पर अमाउंट का फॉर्मूला रख दीजिए। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू 1+R डिवाइड बाई 100 पावर t माइनस प्रिंसिपल एज इट इज़। अब नेक्स्ट लाइन में कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, दोनों साइड से p कॉमन आ जाएगा बाहर, p बाहर जब कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, 1+R/100 पावर t माइनस 1। अब आपने क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट के प्लेस पे जितना क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है 328, इसको रख दो, और इन दिस वे आप 328 कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू रख देंगे, साथ ही साथ जो रेट है हमारा 5%, रेट के प्लेस पर 5/100 आ जाएगा। टाइम भी गिवन है 2 ईयर्स का, टाइम के प्लेस पर आप 2 मेंशन कर दोगे। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, तो पी एज इट इज़ अंदर माइनस 1। नेक्स्ट लाइन में आपने इस पूरे पोर्शन को सिंप्लीफाई करना है, सो इट विल बी 328 इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1+5/100 कितना हो जाएगा, 1.05 पावर स्क्वायर माइनस 1। अब 1.05 को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 1.1025। थस इन दिस वे हमारे प्रिंसिपल की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। सो 328 इज इक्वल टू 0.1025 इंटू पी। अब 0.1025 प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रिंसिपल के साथ इसको मल्टीप्लाई जब ये अभी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये राइट लेफ्ट हैंड साइड पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो 328 डिवाइडेड बाय 0.1025 प्रिंसिपल की वैल्यू मिल जाएगी हमें 3,200 रुपी, ठीक है। इन दिस वे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 को हमने कैसे सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 4% इज ₹20। मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है एक स्पेसिफिक सम पर 2 साल के लिए 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो ₹20 है। फाइंड द सम, हमें सम निकालना है, हमें प्रिंसिपल बताना है कि प्रिंसिपल कितना है। सो डियर, ये जो 20 है, 20 रुपी, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस गिवन है, ठीक है, और ये भी 2 साल का डिफरेंस है और 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। हमें सम तो पता ही नहीं है, सम हमने निकालना है, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे कि टाइम गिवन है 2 ईयर्स, रेट गिवन है 4% एंड कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस गिवन है हमें 20 रुपी। सो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, हम लगाएंगे सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो माइनस प्रिंसिपल तो एज इट इज़, बस आपने क्या करना है, अमाउंट के प्लेस पे अमाउंट का फॉर्मूला रख देना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू 1+R/100 पावर टी।
तो ये हमारा हो जाएगा पी इंटू वन प्लस आर बाय 100 पावर टी माइनस पी। ये पूरा पोर्शन हो गया है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। अब इसमें से आप माइनस कर दो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो 20 है, ठीक है। राइट हैंड साइड पर हम क्या करेंगे, इस पूरे फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो प्रिंसिपल तो हमें नहीं पता, हमने इस यहाँ से पी को कॉमन ले लिया बाहर, पी को बाहर कॉमन ले लेंगे तो आपकी ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस आर बाय 100 पावर टी माइनस 1, और पी उस पूरे इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर, माइनस ये पोर्शन एज इट इज़, सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले का पोर्शन एज इट इज़, पी इंटू आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई 100। हम नेक्स्ट लाइन में हमने सारी वैल्यूज डाल देनी है। तो 20 लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर, रेट कितना है 4%, तो 4 बाय 100 हो जाएगा। पावर टी टाइम कितना है 2 इयर्स माइनस 1, माइनस कर देंगे इसमें से सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। सिंपल इंटरेस्ट में भी हमें प्रिंसिपल तो पता ही नहीं है, तो प्रिंसिपल पी एज इट इज़ मल्टीप्लाई रेट कितना है 4 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2 डिवाइड बाय 100। अब इस पूरे पोर्शन को हम इजिली सिंप्लीफाई करके प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो इन दिस वे 20 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस 4 बाय 100 को जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 1.04 पावर 2 माइनस 1, एंड इस पोर्शन को सॉल्व करके हमें मिल गया 8p डिवाइड बाय 100। अब हमने अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 20 इज इक्वल टू पी इंटू 1.04 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा 1.0816, इसमें माइनस कर दो 1 को, माइनस 8p बाय 100 एज इट इज़। अब नेक्स्ट लाइन में 20 इज इक्वल टू, देखिए पी 1.0816 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.0816p। सबसे पहले हमने क्या किया, 1.0816 में से 1 को माइनस कर दिया, तो 1.0816 में से जब आप 1 को माइनस कर दोगे आपको मिल जाएगा 0.0816, और ये पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू पी आ जाएगा, माइनस 8p डिवाइड बाय 100। अब पूरे का आपने एलसीएम ले लेना है 100 से। जब आप एलसीएम ले लोगे तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 2000 इज इक्वल टू 8.16p माइनस 8p, ओके। एंड देन अगेन हम इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करेंगे और हमें प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 12,500 रुपी आंसर। इन दिस वे हमने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करना है। डियर कीप इन माइंड कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से दिया आता है जहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस गिवन है, टाइम गिवन है, रेट गिवन है, आपसे प्रिंसिपल निकालने को बोला जाता है, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज को यूज़ करके इक्वेशंस फॉर्म करके इक्वेशन की हेल्प से आप अपने जो प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरीके से आप खुद से भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो और भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ तक ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आज हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस पार्ट 3 में, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। अभी हमारा इस वीडियो सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें क्या बोला है, आई बोरोड अ सम ऑफ ₹6,000 फॉर 2 ईयर्स एट 5% सिंपल इंटरेस्ट एंड लेंट इट फॉर द सेम टाइम एंड एट द सेम रेट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड माई गेन इन दिस ट्रांजेक्शन। इसमें बताया हुआ है कि मैंने एक सम ₹6,000 का 2 साल के लिए 5% के सिंपल इंटरेस्ट पर लेंट कर दिया गया, ठीक है। आई बोरोड अ सम, मैंने एक सम उधार लिया 6000 का फॉर 2 ईयर्स एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। जो उधार लिया है कितने रुपये उधार लिया है, 6000, तो 6000 हो गया हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, 6000 है प्रिंसिपल। कितने टाइम के लिए उधार लिया है, 2 साल के लिए, 2 साल हो गया टाइम। कितने रेट पर उधार लिया है, 5% के रेट पर, 5% हो गया सिंपल इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ है। एंड लेंट इट, देखो ₹6,000 का 5% पर उधार लिया और उसी ₹6,000 को इसने इन्वेस्ट कर दिया, यानी लेंट कर दिया, किसी को उधार दे दिया सेम टाइम के लिए, 2 साल के लिए ही, और सेम परसेंट के कंपाउंड इंटरेस्ट पर, यानी 5% के ही कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो मतलब उधार तो ले रहा है सिंपल इंटरेस्ट पर, लेकिन ये किसी दूसरे पर्सन को दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पर,
ठीक है, निकालना है कि इस पर्सन को कितना फ़ायदा हुआ, यानी कि आप एक बंदे से 6,000 रुपये ले लो 2 साल के लिए 5% के सिंपल इंटरेस्ट पर, और उसी के ही पैसे को आप किसी थर्ड पर्सन को दे दो 2 साल के लिए 5% पर, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ठीक है। तो अब आप बताना है कि आपको इस ट्रांजेक्शन से क्या फ़ायदा होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज देगा वैसे ये क्वेश्चन हमें। तो सम है हमारे पास 6,000, टाइम है 2 ईयर्स, रेट है 5% का सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको पे कितना करना पड़ेगा, जब आपने बोरो किया तो आपको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कितने पैसे वापस लौट, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, राइट, ये 100 है नीचे, डिवाइड बाय 100 इक्वल प्रिंसिपल की वैल्यू डाल दो 6,000 मल्टीप्लाई रेट, रेट की वैल्यू क्या है 5%, तो 5/100, टाइम कितना है 2 ईयर्स इंटू 2, तो 6,000 इंटू 2 इंटू 5/100, पूरे पोर्शन को सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 600, यानी कि जहां से आपने पैसे बोरो किए हैं उस पर्सन को आप 600 रुपये दोगे। आगे अगर इसी प्रिंसिपल को आप कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेंड कर देते हो सेम टाइम के लिए सेम रेट पर और कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो आपको कितना पैसे मिलेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 और माइनस कर दो प्रिंसिपल। तो अमाउंट के फॉर्मूला में से जब प्रिंसिपल को माइनस करोगे दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ प्रिंसिपल के प्लेस पे रखना है 6,000 इंटू 1+R, रेट के प्लेस पे रखना है 5/100, पावर टी, टाइम कितना है 2 ईयर्स, टू माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 6,000। तो इस पूरे इक्वेशन को अब हमें सिंप्लीफाई करना है, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1+5/100 को अंदर सॉल्व करके आपको मिल जाएगा 1.05, राइट, और हमारी इस 1.05 को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स 1.05 की पावर 2 है ना, इसका मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 1.05 मल्टीप्लाई 1.05 आपको मिल जाएगा 1.1025। सो दस कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6,000 इंटू 1.1025 माइनस 6,000। तो यहाँ से अमाउंट तो कैलकुलेट हो जाएगा 6,615 और प्रिंसिपल था हमारा 6,000, तो 6,615 के अमाउंट में से जब आप 6,000 का प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 615। तो 615 रुपये आपको मिलेंगे अगर आप 6,000 रुपये को 2 साल के लिए 5% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेंड करते हो, तो यानी 600 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट आप दे रहे हो, 615 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट आप ले रहे हो, तो आपको गेन कितना हो गया 15 रुपये का। एज इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट इज मोर देन द इंटरेस्ट पेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, सो द डिफरेंस ₹15 इज गेन। तो इस तरीके से आपको 15 रुपये का यहाँ पे गेन हो जाता है, राइट। इन दिस वे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाता है तो आप उस क्वेश्चन को इसी तरीके से ही सॉल्व करोगे, बहुत ही आसान तरीका है और इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो सेशन में हमने आज 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। आप इन्हीं क्वेश्चन के जैसे और क्वेश्चंस खुद से क्रिएट करो और उनको सॉल्व करके देखो। आप खुद से जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो धीरे धीरे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएगा कि हमने किस तरीके से फॉर्मूलाज को यूज़ करके इक्वेशंस क्रिएट करनी है और वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी रियल लाइफ में प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। एंड इवन जब बात फाइनेंस मैनेजमेंट की आती है, जब फंड मैनेजमेंट की बात आती है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और लैंडिंग, बोरोविंग एंड लैंडिंग दोनों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नुकसान है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बेनिफिट है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकल ये जो कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आप खुद से क्वेश्चंस को क्रिएट करोगे और खुद से इसी तरीके के और क्वेश्चंस क्रिएट करके उनको सॉल्व करोगे और खुद से आप प्रैक्टिस करोगे। ओके, दिस वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।